आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक, यानी ऐसा कंसाइनमेंट स्टॉक जो सेल नहीं हुआ उसकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी और उसको किस तरह से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इससे पहले कि हम इसे समझें, हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कंसाइनमेंट क्या होती है। यहाँ एक पर्सन है जो कि मिस्टर अली हैं। अब ये अपने प्रोडक्ट्स, यानी अगर इनका प्रोडक्ट है बैग, हम यहाँ लिख देते हैं ये हैंड बैग्स बनाते हैं और बनाकर ये बैग सेल करते हैं सियालकोट में। अब ये चाहते हैं कि इनका बैग, इनके बैग्स सियालकोट की जगह, सियालकोट तो सेल हो रहे हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद में भी सेल हों। तो ये क्या करेंगे, ये इस्लामाबाद में एक पर्सन अपने एजेंट के तौर पर अपॉइंट कर लेंगे, जैसे कि मिस्टर बिलाल, और उनसे ये काम लेंगे कि वो मिस्टर अली के बिहाफ पर इस्लामाबाद में सेल करें। अब जो पर्सन अपना प्रोडक्ट यानी अपने बैग्स पहुंचा रहा है इस्लामाबाद, इसको कंसाइनर कहा जाएगा, और जिसको ये दिए जा रहे हैं, जो इन्हें सेल करेगा मिस्टर अली के बिहाफ पर, उन्हें कंसाइनी कहा जाएगा, और इसको हम कंसाइनमेंट, इस तमाम प्रोसेस को हम कंसाइनमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये ज़रूरी है कि जितने बैग्स भेजे जाएँ वो सारे के सारे सेल हो जाएँ? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने बैग्स भेजे जाएं वो सारे के सारे सेल हो जाएं। तो जो सेल नहीं होंगे उनकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर 500 बैग्स हैं जो कि कंसाइनर ने भेजे हैं कंसाइनी को। अब कंसाइनी को जब भेजे हैं तो इनमें से कंसाइनी ने सेल किए हैं और कितने मार्केट में सेल हुए हैं, 400। तो 500 में से अगर हम 400 माइनस करें तो ये हमारे पास माइनस करने के बाद आएगा 100 बैग्स, और ये हैं अनसोल्ड बैग्स, यानी अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन बिल्कुल इसी तरह की जाएगी जिस तरह हम आम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। और ये वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी IS 2 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड की किसी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। यानी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि हमें ये बताता है कि हम लोअर ऑफ मतलब कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो कम है वैल्यू, उस वैल्यू पर अनसोल्ड स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम पहले जानते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम उस वैल्यू को कहते हैं जिस पर ये स्टॉक, ये 100 बैग्स, जिसको अगर हम इस वक्त सेल करना चाहें, अभी इसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन अगर हम इस वक्त सेल करना चाहें तो मिनिमम हम जिस वैल्यू पर इसको सेल कर सकते हैं तो वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी करंट मार्केट वैल्यू। और अगर हम कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट में हमें कौन कौन सी कॉस्ट लेंगे, कौन कौन से हम यहाँ एक्सपेंस को मिलाएंगे और कॉस्ट बनेगी, तो वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक यानी जो 100 बैग सेल नहीं हुए उसको बनाने पर हमारा खर्चा कितना आया है। इसके अलावा वो तमाम एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं इस प्रोडक्ट को, यानी इन बैग्स को सेलेबल प्लेस और कंडीशन में लाने के लिए, यानी इस कंडीशन में लेके आने के लिए, कंप्लीट बनाने के लिए जो खर्चा किया है हमने वो, इसके अलावा जिस प्लेस पर यानी कंसाइनी को हमने ये पहुंचाए हैं, ये सारे बैग्स कंसाइनी के गोदाम में पहुंचाने तक जो हमने खर्चा किया है, ये तमाम खर्चे कॉस्ट में मिलाकर उसको हम इस पर्पज़ के लिए अपनी कॉस्ट कंसिडर करेंगे। जैसे ये 100 बैग्स जो कि अभी सेल नहीं हुए, इन बैग्स को बनाने पर अगर हमारी कॉस्ट आई है, एक बैग को बनाने पर हमारी कॉस्ट आई है ₹500, यहाँ हम लिख देते हैं 500 ईच, यानी अगर इन तमाम बैग्स को बनाने पर, फिर हम देखेंगे कितनी कॉस्ट आई है, कैसे हम फाइंड करेंगे, 100 बैग्स हैं, 500 कॉस्ट एक को बनाने पर आई, तो 100 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है ₹50,000। तो 50,000 तो इन बैग्स को बनाने पर हमारी कॉस्ट आई, तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 50,000, और यहाँ हम ऊपर रुपीस लिख देते हैं, जिसका मतलब है ये करेंसी जो इस्तेमाल हो रही है वो है यहाँ पर रुपीस। इसके अलावा
अब जो हमारा एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग प्रोडक्ट इन सेलेबल प्लेस एंड कंडीशन, कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए जो रास्ते का खर्च आया है, कैरेज है, फ्रेट है, फ्रेट हम कहते हैं अगर हमने जहाज़ के थ्रू पहुंचाया है तो जो हमारा खर्च आया है, इसके अलावा अगर हमने प्रोडक्ट की इंश्योरेंस करवाई हुई थी कि अगर रास्ते में कोई नुकसान ना हो जाए प्रोडक्ट को, इस तरह हमने गोदाम तक कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा किया वो लेट सपोज हमारा खर्चा है 10,000, तो ये मिलाकर हम कॉस्ट किसको कंसीडर करेंगे, 50,000 प्लस ये 10,000, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट है 60,000 इस स्टॉक की, यानी टोटल जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। और अगर हम देखें कि ये जो स्टॉक सेल नहीं हुआ और अगर हम हर सूरत इसको सेल करना चाहें मार्केट में, तो ये कितने में सेल हो सकता है, हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मार्केट में अगर हम सेल करना चाहें तो ये 700 रुपए का एक बैग सेल हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कितने हमारे पास अमाउंट आएगी ये सेल करके, अगर 700 का एक सेल हो सकता है ईच के लिए, हम यहाँ ये लगा लेते हैं जिसका मतलब है जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर भी है। तो 100 बैग्स को अगर हम 700 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है ₹70,000। तो मार्केट वैल्यू क्या है इस वक्त ₹70,000 में इसको हम सेल कर सकते हैं, और अगर हम कॉस्ट देखें तो कॉस्ट है 60,000। तो इनमें से लोअर कौन सा है, 60,000 या 70,000, तो ये हम देख सकते हैं, इसमें से जो कम अमाउंट है वो है 60,000। तो इस पर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को, जो कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारा अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमें पता चल गया हमने इसे 60,000 पे इस स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करते कैसे हैं, किसी भी चीज़ को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने का वे ये है कि हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग जर्नल एंट्री इसकी पास करेंगे वो होगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, ये अकाउंट हमारा DR से हम डेबिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टॉक जिस तरह हमारा एसेट होता है, इसी तरह कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट भी हमारा एसेट होता है, क्योंकि इस साल अगर ये सेल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हम इसे सेल करेंगे और इससे इकोनॉमिक वैल्यू हमारे बिजनेस की ऐड होगी। जब सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो ये इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर रहा है, फ्यूचर बेनिफिट देगा, तो इसलिए ये हमारा एसेट है। और यहाँ जब ये एसेट आया है तो हमने इसको डेबिट करना है, और किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट्रलाइजेबल वैल्यू हमने करके देखा। ये लोअर जो आती है कॉस्ट वो आती है 60,000, तो हम लोग 60,000 से इसकी एंट्री पास करेंगे। और यहाँ हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो अब हमारा चला गया, और कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को अब हमने डेबिट कर दिया, और इसको हम अब नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे। वैल्यूएशन कैसे करनी है ये हमने जाना, फिर जर्नल एंट्री किस तरह से पास करेंगे ये भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसको हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उसमें कहाँ लिखेंगे, कहाँ पर हम इसे शो करेंगे। तो हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि आम लफ्ज़ों में बैलेंस शीट कहलाती है, इसका अब नया नेम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसलिए इसे हमने यही लिखा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम एसेट्स को लिखते हैं, और एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इन एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री को हम लिखते हैं, और इन्वेंट्री में हम कंसाइनमेंट स्टॉक को, इन्वेंट्री या स्टॉक ये दो नेम एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इन्वेंट्री कह सकते हैं जो सामान नहीं सेल हुआ, उसे अपना स्टॉक भी कह सकते हैं जो हमने अभी नेक्स्ट ईयर सेल करना है। तो इन्वेंट्री के अंदर हम कंसाइनमेंट स्टॉक को लिखेंगे 60,000 वैल्यू के साथ। तो पहले साल में तो हम ये करेंगे जिस साल में ये सेल नहीं हुआ, और नेक्स्ट ईयर में जिस साल में, ईयर टू यहाँ हमने लिखा, जिस साल में हम इसे सेल करेंगे उस ईयर में, यानी अगर हम इसे ईयर टू में सेल कर रहे हैं तो इस ईयर में हम इसे अपना एक्सपेंस के तौर पर इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंस के तौर पर जब हम इसे अब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, तो हम लोग इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग लेजर अकाउंट्स भी बनाते हैं, तो कंसाइनमेंट का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो अगर कंसाइनमेंट की वजह से हमारा
जो हमने चीज़ें कंसाइन की हैं उस वजह से ख़र्चा हो रहा हो तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख देते हैं, और अगर इसकी वजह से हमारे पास अमाउंट आ रही हो जब सेल हो जाए तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर 60,000 से जितने की ये कॉस्ट हमें आई है इस अनसोल्ड गुड्स की, अनसोल्ड स्टॉक की, वो लिखा जाएगा, और जब सेल होंगी और अमाउंट आएगी इसके थ्रू जो सेल वैल्यू आएगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर वो वैल्यू लिख दी जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा हम किस तरह से वो स्टॉक अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक को पहले वैल्यू करते हैं, किस तरह से उसकी वैल्यूएशन देखते हैं, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से पास करते हैं और किस स्टेटमेंट में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं।